नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास रियलमी नार्ड जो N55 मोबाइल और आप उसमें जो ऐप ड्रॉअर की सेटिंग है उसको करना चाहते हो, यानी कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर्च बार भी आपका आ जाता है और यहाँ पर कुछ ऐप्स ये दिख रहे हैं, इन सभी को मैनेज करना है, होम स्क्रीन सेटिंग करना है, तो ये सब कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि सर्च बार आ रहा है, तो इसको अगर आपको बंद करना है तो आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो एक ऑप्शन मिल रहा है मैनेज का, ऐप ड्रॉअर में आओगे तो यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐप ड्रॉअर सेटिंग में चले जाना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है पर्सनलाइज सर्च, इसको डिसेबल करना है। इसको डिसेबल करने के बाद आपके पास जो सर्च बार वाला ऑप्शन है ये देखिए चला गया है, नहीं गया है तो फिर से आपको मैनेज पर क्लिक करना है और ऐप ड्रॉअर पर जाना है और यहाँ पर शो ऐप सजेशन इसको भी बंद करना है और ये जो दिख रहा है डिस्प्ले कीवर्ड व्हेन इंटरिंग ऐप ड्रॉअर इसको आप जैसे डिसेबल कर दोगे तो आपका सर्च बार जो है वो चला जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ से कीवर्ड आपका नहीं दिख रहा है और यहाँ से जो फालतू के ऐप्स थे वो भी चले गए हैं। ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद अगर आप इसको इनेबल करते हो तो देखिए आपके पास वो जो फालतू के ऐप्स यहाँ पर आते हैं ये वाले ये आ जाएंगे। तो इनको अगर आपको बंद करना है, सिंपल सा रखना है, तो आपको मैनेज पे जाना है, ऐप ड्रॉअर सेटिंग में जाना है और इन सभी को आपको बंद कर देना है। इन सभी को आप जैसे ही बंद कर दोगे इसको ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन इसको इनेबल कर दीजिए, बाकी सभी को बंद कर दीजिए। इतना करने के बाद देखिए आपका फ़ोन जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है, यानी कि आपको फालतू में कुछ भी नहीं है यहाँ पर दिखेगा। तो इसके अलावा और भी सेटिंग्स हैं जो कि होम स्क्रीन सेटिंग्स हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है मोर, मोर पर जाना है एंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला है होम स्क्रीन मोड, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐप ड्रॉअर में जा सकते हैं और स्टैंडर्ड मोड है उसको भी आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, लॉक होम स्क्रीन लेआउट इसको भी आप लॉक कर सकते हो, यानी कि होम स्क्रीन पर जो भी ऐप्स हैं उनको कोई भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ से इनेबल होगा ये। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है डबल टैप टू लॉक, इसको इनेबल कर दोगे तो कहीं भी अगर होम स्क्रीन पर आप डबल टैप करते हो तो आपका फ़ोन जो है लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोन लॉक हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से होम स्क्रीन में जाएंगे और उसके बाद मोर पे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको भी इनेबल करोगे तो डबल टैप करने से आपकी स्क्रीन बंद भी होगी और डबल टैप करने से आपकी स्क्रीन जो है वो ओपन भी हो जाया करेगी। अगर दोस्तों आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो क्या करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से एक ऑप्शन मिला है वॉलपेपर, तो आपको वॉलपेपर पे जाना है एंड इस पे जाने के बाद काफ़ी सारे आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं, तो जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई टू यूज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन करेंगे। तो इस तरीके से आपका सेटिंग होने लग गया और वॉलपेपर आपका जो देखोगे तो आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए वॉलपेपर आपका चेंज हो चुका है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं, आइकन्स को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो आप, अलाउ करेंगे एंड यहाँ पर देख पा रहे हो आपको आइकन जैसे भी चाहिए उनको यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो आइकन का शेप और साइज जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा और अप्लाई करूँगा। तो ये इसी तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो गाइस इस तरीके से आपने पूरे होम स्क्रीन को यहाँ पर जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।